नमस्कार। खूंटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि रांची खूंटी रोड पर स्थित पिपरा टोली नामकोम के शिव मंदिर से एक नवजात बच्चा बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि नामकोम के शिव मंदिर में सफाईकर्मी जब सफाई करने गए तो वहां उन्होंने एक नवजात बच्चा को देखा, जिसके बाद उन्होंने अन्य माध्यमों से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस नामकोम के शिव मंदिर पहुंचे, जहां से उन्होंने बच्चे को बरामद किया। वहीं कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। इसी क्रम में बता दें कि यह लड़की बच्ची है जो बिल्कुल ही स्वस्थ है। ये पूरी घटना शनिवार की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। वहीं अगली खबरों में बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन होने के बाद निक्की प्रधान के पिता काफ़ी खुश थे और उन्होंने पूरे मैच अपने टीवी चैनल पर बैठकर देखे। इसी क्रम में बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में यह मैच हार गई है, जिस पर बात करने के दौरान निक्की प्रधान के पिता ने कहा कि हौसला अभी बाकी है, जब तक हौसला है हम जीत के करीब जरूर पहुँचेंगे। खबरों में आगे बता दें कि अर्की प्रखंड क्षेत्र के सभी योग्य कृषकों को केसीसी के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए सभी कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही सभी योग्य किसानों को केसीसी के तहत ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।